हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। तो मैं आज आपके सामने अतुल सांबरिया आपके लिए अभिपीडिया जो हमारा एक पोर्टल है उसके ऊपर बहुत सारे करंट अफेयर्स हम आपको वीकली प्रोवाइड करते हैं यूपीएससी के लिए, जो अलग अलग एग्जाम्स के लिए काम आते हैं। और पूरे हफ्ते आपने देखा होगा एक हमारी सीरीज भी चल रही है काफ़ी सारी, जैसे हमारी एक इकोनॉमी के ऊपर हाउस सीरीज चल रही है, उसके अलावा एक करंट अफेयर्स की क्लासेज आपको जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो भी आपको रोज मिल रहे हैं। तो अराउंड आपको दिन में हम 3 से 4 लेक्चर आपको रोज प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा नीचे हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया है, जिसके अंदर लिंक के बाहर लिखा हुआ है फ्री करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी। जो फ्री करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी है वो लिंक है हमारे अभिपीडिया पोर्टल का। अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ वहाँ पे आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं मिलेंगे, आपको वहाँ पे मिलेंगे आपको इश्यू एनालिसिस जो आपको मेंस पेपर लिखने के अंदर हेल्प करते हैं। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए आपको वीकली क्विज वहाँ मिलता है। उसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते पढ़ते अगर आप थक गए हैं न्यूज़पेपर रोज, तो देखिए आपका जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल और इंपॉर्टेंट न्यूज़ अलोंग विद लिंक्स ऑफ डेली न्यूज़पेपर आपको मिलेगा हमारे डेली कार्पे डियम में। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक पूरा आपको पोर्टल इंट्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको वो बना के बता दूंगा। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स। अब ध्यान में आपने रखना है कि उस लिंक के ऊपर जाइए और हमारी जो वेबसाइट उसको चेकआउट कीजिए। फ्री के अंदर मतलब आपको बिना किसी चार्ज के इतने सारे रिसोर्सेज इतने कंपाइलेशन के अंदर हम आपको वहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उसकी एक झलक मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीकली क्विज जो पिछले हफ्ते जो इंपॉर्टेंट सबसे अलाइंड, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और बनते भी हैं, लेकिन क्योंकि मैं पिछले 5 साल से लगातार प्रीलिम्स निकाल रहा हूं तो मेरे को पता है कि कौन से करंट अफेयर्स कहां पे एक्चुअली प्रीलिम्स 2020 के अंदर आपको काम आ सकते हैं। वो आसान भी होते हैं, वो टफ भी होते हैं, ओके, कि जहां पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो वैसे आपको साथ में आज 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पिछले हफ्ते के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आज आपको करवाने वाला हूं, ओके। अगली बार अगर इस सेशन के ऊपर आप कमेंट करेंगे तो अगली बार मैं आपको लाइव सेशन आपको करवाऊंगा जहां पे आप खुद मेरे साथ आंसर भी करवा सकते हैं, ओके। तो चलिए आज का हम सेशन अपना शुरू करते हैं, और प्लीज चेक आउट आवर अभिपीडिया करंट अफेयर्स पोर्टल, जहां पे आपको हजारों रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ओके, ताकि आप अपनी तैयारी के अंदर 4 चांद लगा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन है जो वो ये है इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन पिछले कई दिनों में पूछे, पिछले कई सालों से लगातार 3-4 सालों से, आपको पता है 2016 के बाद जो कि पैटर्न थोड़ा सा बदला है यूपीएससी के प्रीलिम्स का, उसके रिलेटेड ही हमने क्वेश्चन बनाए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है रिसेंटली वोल्कर रूल सीन इन न्यूज। वोल्कर रूल अभी रिसेंटली न्यूज में था, आपने अगर सुना होगा। तो ये क्या रूल है, वोल्कर रूल क्या है, वेदर इट इज रिलेटेड टू हेल्प मेजर वोल्केनिक डिजास्टर, कि अगर वोल्केनिक कभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के अंदर एक वोल्केनो फटा है तो क्या उससे रिलेटेड है ये, या ये या फिर इट प्रोहिबिट्स बैंक फ्रॉम द रिस्की इन्वेस्टमेंट, क्या वो रिस्की इन्वेस्टमेंट से प्रोहिबिट करता है, और तीसरा इट गिव्स रूल टू प्रोहिबिट हवाला सिस्टम, एंड फाइनली नन ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, देखिए वोल्कर रूल मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। जो वोल्कर रूल है ये एक फेडरल रूल है, वोल्कर रूल है ये यूएस के अंदर एक फेडरल लॉ है, जो कि बचाता क्या है, फेडरल लॉ है किस चीज के लिए, इसका आंसर बी, इट प्रोहिबिट्स बैंक्स फ्रॉम द रिस्क इन्वेस्टमेंट। जो वोल्कर रूल है वो ये कहता है कि बैंकों को प्रोहिबिट करता है कि आप पब्लिक के पैसे से आप इधर उधर जो हेज फंड है, हेज फंड होते हैं कि जिसको हम हॉट मनी भी बोलते हैं, हेज फंड हैं उनके अंदर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वहां पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और पब्लिक का पैसा डूब भी सकता है। तो उन सब चीजों से बचाने के लिए, उन सारी चीजों से बचाने के लिए वोल्कर रूल को बनाया गया है, जो कि एक फेडरल लॉ है। कहां से आया, यूएस पे। ये रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि इंडिया के आपको पता है कि आजकल इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर काफी बहस चल रही है। हम वहां पे जो कहते हैं कि एक तरह से हम यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहे या हम कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, लेकिन जो आजकल न्यूज के अंदर चल रहा है उसी के अंदर से ये क्वेश्चन, और यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे उठाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपने क्या करना, या तो आपको आते हैं या नहीं आते, इसमें कोई गैस वर्क नहीं है वोल्कर रूल के अंदर। तो प्लीज अगर आपने क्वेश्चन देखा है, आपने पढ़ा है इसके बारे में, तभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा असली पेपर में, अदरवाइज इसको मत कीजिएगा। तो आंसर इसका है बी, ओके, वोल्कर रूल इट प्रोहिबिट्स बैंकिंग फ्रॉम द रिस्की इन्वेस्टमेंट। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमें कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्जुगेट वैक्सीन, ओके। तो ये देखिए टाइप बार टीवीसी वैक्सीन है हमारे पास ये, और टाइप बार टीवीसी वैक्सीन जो क्या कहती है वो, कि पहला टाइप बार टीसीवी वैक्सीन है और ये टाइफाइड के खिलाफ लड़ती है। उसके अलावा इट एलिसिट टी सेल हेल्प फॉर, और जो बी सेल्स है दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज जो टी और बी सेल से एंटीबॉडीज बनती हैं फाइट करवाने के लिए,
क्या उसको हेल्प करता है, इट इज लिटिल बिट टेक्निकल अदरवाइज, इसीलिए इसके अंदर मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर ही दे दी है। ये एक टाइप बार वैक्सीन है जो अभी तक जितनी भी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, और ये इंडिया में बनाई गई है, हमारी खुद की है, ओके। तो टाइप बार वैक्सीन है वो हमारे WHO है, WHO ने इसको पास किया है और WHO ने माना कि आज तक टाइफाइड के खिलाफ जितनी भी वैक्सीन थी उन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, और ऑलरेडी टाइप बार वैक्सीन WHO ने पास कर दी है। किसके खिलाफ लड़ती है ये, आपसे क्वेश्चन ये पूछा, टाइप बार वैक्सीन किसके खिलाफ लड़ती है, तो ये होगा टाइफाइड के खिलाफ, ये आपको पता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको मिलेगा सी, क्या आंसर मिलेगा आपको, सी मिलेगा, ओके। बिकॉज आई एम नॉट ए डॉक्टर, तो इवन यू आर नॉट ए डॉक्टर, कुछ आपके होंगे, आजकल डॉक्टर्स बहुत तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, जो मेन आपको चीज रखनी है कि इंडिया में बनाई है, WHO ने इसको पास कर दिया है और ये टाइफाइड के खिलाफ लड़ती है, और ये क्यों, एंटीबॉडीज को हेल्प करती है क्रिएट करने में। एंटीबॉडीज क्या होती है, जो हमारे एंटीजन के, एंटीजन होते हैं जो कुछ बुरे तत्व होते हैं एक तरह से हमारे शरीर के अंदर, तो एंटीजन को फाइट करती है ये, ओके, एंटीबॉडीज बना के। तो चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये देखिए बड़ा ही आप कहेंगे सबसे ईजी क्वेश्चन है आज की सीरीज का, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। सबसे पहले ग्रे कॉलर वर्कर्स, तो ओल्ड एज वाले, ये बिल्कुल करेक्ट है, गोल्ड कॉलर हाईली स्किल्ड, सी पिंक कॉलर, ठीक है, और डी नो कॉलर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर है डी नो कॉलर, नथिंग टू एक्सप्लेन है, ओके। देर आर डिफरेंट डिफरेंट ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, ओके, जैसे कि जो हमारे वर्कर होते हैं वो ब्लू कॉलर जॉब उन्हें बोलते हैं, पिंक कॉलर जो आजकल जो वीमेन के लिए कहते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट आ गया, वो पिंक कॉलर जो कुछ जॉब्स ऐसी बना दी हैं, फॉर एग्जांपल कि जो एजुकेशन सेक्टर में जो जॉब्स हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर जॉब है, और वहाँ पे एक तरह से बोला जाता है कि वीमेन ही ये काम अच्छे से कर सकती है, ओके, उनको हम कहते हैं पिंक कॉलर जॉब, और नो कॉलर अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, ओके। तो यह सबसे आसान आंसर इसका है डी, ठीक है, मैंने कहा था आसान और मुश्किल क्वेश्चन बहुत मिक्स कर कराऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देख लीजिए पिछले 3 साल में UPSC ने बार बार इसको क्वेश्चन को पूछा है। तो चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट रिलीज ऑन द मंथली बेसिस, यस इट रिलीज ऑन द मंथली बेसिस, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो कौन इसको रिलीज करता है, CSO, किस बेसिस पे, मंथली बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी हैज द मैक्सिमम वेटेज इन द IIP, इज इट करेक्ट, देखते हैं। नेक्स्ट, द बेस ईयर ऑफ द IIP इज 2015 और 16, तो इज इट करेक्ट, ये भी देखते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है ए ओनली, वन ओनली, क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। CSO मंथली बेसिस के ऊपर IIP रिलीज करता है, इसके अंदर तो टोटल कितने होते हैं, 8 इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं, जिसमें आजकल हाइएस्ट वेटेज है रिफाइनरी की, अराउंड 26%, ओके, हाइएस्ट वेटेज किसकी है, रिफाइनरी की, इसमें हाइएस्ट वेटेज है, और इसका बेस ईयर कितना है, इसका बेस ईयर है 2005, ओके, तो बाकी दोनों स्टेटमेंट खत्म हो जाती हैं, गलत हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स, ठीक है, 2004-2005 इसका बेस ईयर है, और अभी इलेक्ट्रिसिटी पहले था बेस ईयर हाईएस्ट, ठीक है, इंडस्ट्री IIP के अंदर, लेकिन आज के दिन किसका, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का हाईएस्ट वेटेज है, ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई थिंक टिल नाउ वी आर स्टीयरिंग अहेड एंड वी शुड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए अगला, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन IIP क्या है, देखिए, इज एप्लीकेबल, पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपने IIT की तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर IIP है क्या। तो ये इनर लाइन परमिट है, इनर लाइन परमिट मतलब देर आर सर्टेन सेंसिटिव एरियाज, और यू कैन से द ट्राइबल एरियाज वेयर एस्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट, जहां पे आपको अगर जाना है तो परमिट लेना पड़ेगा, इवन अगर इफ यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इवन देन इफ यू वॉन्ट टू विजिट दैट थिंग, इफ यू वॉन्ट टू विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस, देन यू हैव टू, what you have to do, you have to take a permit, उसको कम कहते हैं inner line permit, वो कुछ specified areas के अंदर है, और वो किस किस state के अंदर applicable है, अरुणाचल में है, मिजोरम में है, नागालैंड में है, त्रिपुरा में से कौन कौन से के अंदर वो applicable है। तो यहाँ पे आपने क्या, आप सबको याद नहीं रखते, लेकिन अगर आप newspaper पढ़ते हैं तो त्रिपुरा इज ए वेरी पीसफुल स्टेट राइट नाउ, ओके, तो त्रिपुरा के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है, तो IIP इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इन त्रिपुरा, सो आंसर इसका क्या हो गया, नॉट एप्लीकेबल इन त्रिपुरा, और इसका आंसर हो गया C 1, 2 and 3, ओके, इट इज एप्लीकेबल इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मुरली परियार डैम इज ए मैसनरी ग्रेविटी डैम, मुरली परियार डैम ऑलवेज इन न्यूज, ओके, इंडिया का एक तरह से नेशनल डैम घोषित कर देना चाहिए इसको, हर हमेशा न्यूज में रहता है, ओके, जो मुरली परियार डैम है इज ए मैसनरी ग्रेविटी डैम ऑन द पेरियार रिवर, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने। सेकंड है, पेरियार रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कम ऑन गिव मी द आंसर,
ओके तो सबसे पहला इसका आंसर है, देखिए मुल्ली परियर डैम, ऑब्वियसली बात है इट इज ए मैसनरी ग्रेविटी डैम, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, उस वक्त इस टाइप के डैम सबसे ज्यादा बने जाते थे। तमिलनाडु कर्नाटक और केरला के बीच में इसके पीछे लड़ाई चल रही है क्योंकि ये डैम केरला के अंदर स्थित है, लेकिन इसका जो ठीक है लेकिन ये है केरला के अंदर और लेकिन इसका जो मालिक है वो तमिलनाडु है, तो इस तरीके से कुछ इश्यूज हैं इसके अंदर। तो मुल्ली पेरियार डैम ओके, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इट इज ए मेसनरी ग्रेविटी डैम ऑन पेरियार रिवर। सेकंड, पेरियार रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इज इट करेक्ट? आई विल टेल यू इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, क्योंकि आपको मैं क्लियरली बता देता हूं, क्योंकि कावेरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द, कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, कावेरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द तमिलनाडु। बेसिक है, आपको पता होना ही चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता तो मतलब आपने बेसिक आपकी जो फिजियोलॉजी और ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का वो आपने नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर दोगे। ओके तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, ए, ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि मुल्ली पेरियार डैम इज ए मेसनरी ग्रेविटी डैम ऑन द पेरियार रिवर। ओके तो चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द व्हाइट आइलैंड। व्हाइट आइलैंड रिसेंटली बहुत न्यूज में था, ये कहां पे स्थित है देखते हैं। इट इज लोकेटेड इन बे ऑफ बोथनिया। ओके सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज एन एंडेसाइट स्ट्रेटो वोल्केनो। तो इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको बता देता हूं, जो व्हाइट आइलैंड है इट इज रिसेंटली उसके एक वोल्केनो इरप्शन हुआ है वहां पे, जिसकी वजह से इट इज ए वोल्केनिक आइलैंड और जिसकी वजह से ये काफी न्यूज में होता है। अब ध्यान में रखना कि यूपीएससी वाले जो आपसे पूछेंगे तो उन्होंने बहुत टेक्निकल बात पूछी कि एंडेसाइट स्ट्रेटो वोल्केनो, तो ऑब्वियसली बात है जब भी कुछ ज्यादा टेक्निकल बात आ जाती है तो यूपीएससी वाले इट इज सम काइंड ऑफ चीट कोड की, जब ज्यादा टेक्निकल चीज है तो ऑब्वियसली बात है वो सही ही होगी, क्योंकि दे डिडंट एक्सपेक्ट द कैंडिडेट टू नो एवरीथिंग। ओके अदर बिकॉज इट इज अ वेरी टेक्निकल टर्म, एंडेसाइट स्ट्रेटो वोल्केनो। वोल्केनिक आपको पता, वोल्केनो अलग अलग टाइप के फिजर वोल्केनो होते हैं, ठीक है, और तो इस तरह के बहुत सारे वोल्केनो के टाइप्स होते हैं और आपको पता होगा जिसके अंदर, तो अगर उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज बोली है तो क्या ये करेक्ट होगी, तो मेरे हिसाब से 99% ये चीज़ें करेक्ट होती है, आपको पता हो तो ठीक है। वोल्केनो अलग अलग टाइप के होते हैं। पहली लेकिन स्टेटमेंट है वो बड़ी बेसिक सी है, वो आपको पता होना चाहिए कि लोकेटेड कहाँ है, तो पहली स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है। ये जो है ये बे ऑफ प्लेंटी है कहाँ पे, न्यूजीलैंड के अंदर। बे ऑफ प्लेंटी है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में बे ऑफ प्लेंटी है, न्यूजीलैंड में बे ऑफ प्लेंटी अगर न्यूजीलैंड के अंदर है तो वहां है, इट इज नॉट लोकेटेड इन द बे ऑफ बोथनिया। ये कहां लोकेटेड है, बे ऑफ प्लेंटी कहां पे, न्यूजीलैंड में। और आपको पता होगा न्यूजीलैंड इज अ वेरी वोल्केनिक प्लेस एंड दैट्स व्हाई इट इज, इसकी वजह से वहां पे रिसेंटली एक बहुत भयंकर वोल्केनो इरप्शन हुआ है और उसका आंसर है तो न्यूजीलैंड, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाता है, टू ओनली। ओके क्या हो जाएगा इसका आंसर, टू ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। ओके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका तो आंसर मेरे को ज्यादा डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, चलिए फटाफट बता। आपकी अगर बेसिक चीजें पढ़ी होगी तो इसका आंसर है, ऑब्वियसली बात है इसका आंसर है बी, ब्रुकलाइसिस, ब्रुसलोइसिस, ये इसका आंसर है प्रोनाउंसिएशन के अंदर, अगेन मेडिकल टर्म, हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और ओके तो बी। तो चलिए बाकी सारे वायरल डिजीज हैं ये, आप कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन क्या आता है, देखिए रिसेंट अभी आई थिंक 2015 और 2016 लगातार वो H5N1 पूछ रहे हैं, ठीक है, कभी H1N1 पूछ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं। ओके बर्ड फ्लू, और तो कब तक बर्ड फ्लू पे रहेंगे, क्या पता इस बार रूबेला, मम्स और मीजल्स पे पहुंच जाएं। वैसे भी इंडिया के अंदर इंद्रधनुष प्रोग्राम चल रहा है, ओके जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो जो जितनी वैक्सीन इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देखिए फ्री के नंबर हैं, अगर आप बेसिक तैयार कर भी लेंगे कि वायरल डिजीज कौन कौन से हैं तो फ्री के नंबर हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। ओके तो इसका आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ द NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। सबसे पहले इट इज एस्टैब्लिश्ड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, देखते हैं, इट इज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, इट इज अंडर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए आपको देखना है, पहला तो वन ओनली है, दूसरा बी टू ओनली है, सी बोथ वन एंड टू, और डी फिर नन ऑफ द, वो बेसिक क्वेश्चन जो जैसे होते हैं ऑप्शन वैसे ही ऑप्शन है। तो ध्यान में आपने ये रखना है कि देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, नन ऑफ द वो, क्यों, इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका कोई कानून नहीं है, और दूसरा ये मिनिस्टर ऑफ केमिकल में आती है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में नहीं होती। एनपीपीए का काम क्या है कि जो बहुत नीडेड ड्रग है और वो अगर प्राइवेट कंपनियां बहुत महंगे रेट पे बेच रही तो उनको कंट्रोल करते हैं, वो उनको कंट्रोल करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो उनको कंट्रोल करते हैं और उनका कोई काम नहीं, यही काम है उनका कि दे कंट्रोल देम, दैट्स इट, और ज्यादा कोई लंबी चौड़ी इसके अंदर बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर है डी, क्योंकि आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंदर। ओके
इसको काफी लंबा चौड़ा नाम है मिनिस्ट्री का, लेकिन आप याद रखो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के अंदर आती है। उसका काम है कि अगर प्राइवेट कंपनियां एसेंशियल मेडिसिन को बहुत महंगा बेच रही है तो उनको अंदर वो प्राइस कंट्रोल कर सकती है कि आप इस पर्टिकुलर प्राइस से ज्यादा नहीं बेच सकते। ओके, तो इसका आंसर हो गया डी और इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। चलिए फाइनली लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट ए मेंबर ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। सबसे पहले अगेन क्वेश्चन ये आता है कि वेदर यू नो अबाउट IORA, वेदर यू नो अबाउट IORA, बताइए। ज्यादातर बच्चों को उनको समझ ही नहीं आएगा IORA क्या है अगर नहीं उन्होंने पढ़ा है ढंग से, मेंबर तो क्या बताएंगे। तो इजी क्वेश्चन भी टफ हो जाता है। अगर ऐसा आपके सामने कोई क्वेश्चन आता तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू लीव द क्वेश्चन, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है। आसान क्वेश्चन लगता है और आप उसको कर देते हैं और फिर वो नेगेटिव में चला जाता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ऐसे क्वेश्चन जैसा कि आपको पहला जो क्वेश्चन दिखाया था वो, और ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि वेदर यू नो देम वेदर यू डोंट, इफ यू नो इट देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज नो। तो इसका आंसर है नॉट ए मेंबर ऑफ IORA। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ IORA, ऑब्वियसली बात है। श्रीलंका इज ऑल्सो मेंबर ऑफ IORA, बांग्लादेश ऑल्सो ए मेंबर ऑफ IORA और डी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज नॉट ए मेंबर ऑफ IORA, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास डी। तो ये थे आज के हमारे वीकली 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से आप PDF के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी जितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं आप, ओके, ताकि हम इसी तरह से आपके सामने अच्छे अच्छे आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें और आपको मिशन 2020 जो आपका प्रीलिम्स है उसको हम क्रैक करवा सकें। बस आज के लिए इतना ही। तो मैं अतुल सांवरिया, आई विल टेक द लीव फॉर टुडे।